मार्शमेलोज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपको राइड ऑन के पार्ट वन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की रिमेनिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक इस फिल्म के पार्ट वन को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर उसे जरूर देखना। अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जिसमें हमने देखा था कि अब लुओ की लाइफ में खुशियां वापस आ गई थी। उसकी बेटी बाओ और रेड दोनों उसके साथ थे, मगर एक बार फिर वो दो आदमी लुओ के बैकयार्ड में एक नया नोटिस लेकर टपक पड़ते हैं। इसके जवाब में बाओ ने कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, जिसे जब चाहो लाचार छोड़ दो और जब चाहो वापस ले लो। मेरे डैड को इसे रखने का पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने ही इसे अभी तक संभाला है। इसके बाद डैड उस नोटिस को उनके हाथ से खींचकर फाड़कर चबा डालता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। बाओ का डैड लुओ अपनी बेटी को बड़े विश्वास के साथ उसका साथ देता देखकर बहुत खुश होता है। अगली रात को लुओ और बाओ एक साथ डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं, मगर वहाँ दामी अपने पैसे मांगने फिर से पहुँच जाता है। वो लुओ और बाओ की टेबल पे बैठकर उससे अकड़कर बातें करने लगता है और ये देखकर साइड में बंधे रेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रस्सी निकालकर दामी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद लुओ और दामी के आदमी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में रेड और लुओ की मदद के लिए श्यामो भी वहाँ आता है। उसके बाद लुओ अपनी बेटी बाओ को लेकर रेड की पीठ पे सवार हो जाता है और उसके साथ वहाँ से दूर निकल जाता है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक रेड बड़े खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म करता है, फिर चाहे धमाकों के बीच भारी भरकम सामान के साथ दौड़ना हो या लगातार छलांग लगाना। एक दिन स्टंट करते वक्त रेड को चोट लग जाती है। उसे दर्द में देखकर बाओ से रुका नहीं जाता और वो अपने डैड से इस बारे में बात भी करती है, पर लुओ उसका कोई जवाब नहीं देता है। अगले सीन में लुओ बाओ के साथ जाकर उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलता है। यहाँ लुओ अजीब अजीब बातें कर रहा था और उसकी हरकतें देखकर वहाँ बैठे लड़के के मॉम डैड बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे, मगर बाओ बिना डरे लुओ को डिफेंड करते हुए कहती है कि मेरे पापा को रेस्टोरेंट में जाने की आदत नहीं है, मगर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। इसके बाद लुओ भी उन्हें कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का असर हमारे बच्चों के रिश्ते पे नहीं पड़ेगा। बाओ बहुत अच्छी लड़की है और वो जरूर घर को बड़ी अच्छी तरह संभाल पाएगी। उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली के जाने के बाद बाओ और उसके डैड के बीच कहासुनी होती है और बाओ लुओ को कहती है कि आपको रेड को भी रेस्ट करने देना चाहिए। इसके बाद हम बाओ को रेड के साथ देखते हैं, जो कि नीचे फर्श पे लेटा पड़ा था। वो रेड के साथ टीवी पे अपने डैड को स्टंट करते हुए देख रही थी और उसी के चलते लुओ भी वहाँ आ जाता है और बाओ उसे कहती है कि आप तब से लेकर आज तक बहुत कूल हैं। उसके साथ अपने वीडियोस को देखकर लुओ और बाओ दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो उन्हें उसके बचपन में उसके साथ देखते हैं कि किस तरह वो बाओ को खुश करने की कोशिश किया करते थे, जबकि बाओ उनसे गुस्सा रहती थी। फिर प्रेजेंट सीन में एक स्टंट करते वक्त वो काफी ऊपर से गिर गया था और लुओ के सर पे चोट लग गई थी, जिसके चलते उसे अगले 8 महीनों तक कोमा में रहना पड़ा था। ये बात लुओ बाओ के साथ शेयर कर रहा था। वो बताता है, मेरे कोमा में होने की वजह से मुझ में काम करने की ताकत नहीं थी और पैसों की सख्त जरूरत थी, और मैं जिंदगी के आखिरी पलों मैं तुम्हारी मॉम के साथ भी नहीं रह पाया और ना ही तुमसे मिला। उस बात के लिए तुम्हारी मॉम मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर बाओ उसे कहती है कि मॉम की तरफ से मैं आपको माफ करती हूँ, अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इसी बीच दामी और उसके कुछ आदमी रेड के अस्तबल तक पहुँच जाते हैं। दामी रेड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, मगर रेड खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है। रेड अकेला ही उन सबको खींचकर नीचे गिरा देता है। फिर इनकी आवाज सुनकर लुओ भी वहाँ पहुँच जाता है और दामी के साथ साथ उसके साथियों को भी अच्छी तरह सबक सिखाता है। उनकी मार्कुट में भी फन एलिमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जैकी चैन है ही इतने कमाल। अगले दिन युआन नाम का एक सेलिब्रिटी लुओ से मिलने उसके घर पे आता है। वेल, लुओ कुछ दिन पहले अक्सर इनके लिए हांगकांग में स्टंट परफॉर्म किया करता था। युआन उनसे एक रिक्वेस्ट करने वहाँ आया था और वो ये थी कि वो लुओ के साथ एक फिल्म शूट करना चाहता था। वो लुओ से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े रेड को भी इस फिल्म में शामिल करना चाहता हूँ। फिर लुओ उसकी बात पे सोच विचार करता है और युवान वहाँ से वापस चला जाता है। रात के वक्त उसकी बेटी बाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिलने आती है। वो लुओ को एक खुशखबरी सुनाती है, मगर ये वो वाली खुशखबरी नहीं बल्कि रेड के केस से जुड़ी थी। दरअसल उन्हें एक ठोस सबूत मिल गया था, जिसकी मदद से वो इस केस को जीत सकते थे। उनकी बात सुनकर लुओ बहुत खुश होता है और तभी रेड आकर वहाँ पड़ी टी शर्ट को उठा लेता है। फिर लुओ बाओ को बताता है कि हमें एक नई फिल्म करने का मौका मिला है, मगर अभी भी इस बात से बाओ
बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे रेड और उनकी चिंता थी। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लुओ और रेड फिल्म की शूटिंग के लिए पहुँचते हैं और वो दोनों स्टंट के लिए तैयार थे, मगर लुओ रेड के बारे में सोच रहा था। वो रेड की पीठ से नीचे गिर जाता है और फिर वो इस काम को करने से पीछे हट जाता है। इसके बाद वो वापस जाते वक्त रास्ते में बाओ से मिलकर उसे बताता है कि मैंने शूटिंग करने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद बाओ खुशी से रेड के पास चली जाती है। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस लड़ते हुए दिखाया जाता है जिसमें लुओ का ऑपोजिशन इस केस को जीत जाता है और इसका मतलब था कि अब रेड को लुओ से दूर जाना होगा। मगर इसके बाद भी बाओ का बॉयफ्रेंड घोड़े के मालिक से रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है कि अब तक किस तरह लुओ ने रेड को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उसका सच्चे मन से ध्यान रखा। जवाब में घोड़े का मालिक कहता है कि तुम घोड़े की चिंता मत करो। फिर लुओ और रेड के बीच इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसमें रेड एक आखिरी बार लुओ के साथ स्टंट करना चाहता था। इसके बाद लुओ बड़े दुख के साथ रेड को उसके नए ओनर के पास छोड़ने जाता है। फिर जब लुओ वापस जाने लगता है तो रेड दौड़ते हुए उसकी गाड़ी का पीछा करते वक्त लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। लुओ उस पे गुस्सा करके उसे कहता है कि अब मेरे पीछे कभी मत आना, मगर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंदर से कितना बुरा फील कर रहा था। दूसरी तरफ बाओ आकर रेड के मालिक से बात करती है और उसे अपने डैड की वीडियो भी दिखाती है। वो उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि उसके डैड और रेड हर दिन एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं और एक दूसरे के बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर अगले सीन में हम लुओ को देखते हैं जो बिल्कुल फिल्म के फर्स्ट सीन की तरह घोड़े बेच के सो रहा था और तभी एक घोड़ा वहाँ आकर उसे उठाने लगता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये घोड़ा कोई और नहीं बल्कि रेड ही था। फिर हम रेड के मालिक को देखते हैं जो कि बाओ और उसके बॉयफ्रेंड को बताता है कि रेड ने पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मुझे लगता है कि वो लुओ के साथ ही ठीक है, उसे किसी नए मालिक की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आज की ये फिल्म एक हैप्पी नोट के साथ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और फिल्म पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और मेरे छोटू से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप भी कोई मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।